हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स आई थिंक आई एम लाइव। तो वी कैन स्टार्ट आवर लाइव विथ योर क्वेरीज अबाउट होम्योपैथी। टेल मी योर क्वेरीज इफ एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन। पेशेंट 5 मिनट लाइव चालू। हाँ, सो टेल मी एनी क्वेरीज। होमियो गीक और पूनम रिद्धि सो येस्टरडे वी स्पोक अबाउट समथिंग। वेन देर आर केसेस वेर नो सिम्टम्स आर अवेलेबल एंड टूडे वील स्पीक अबाउट वेन देर आर केसेस वेर देर आर मल्टीपल सिम्टम्स अवेलेबल। देर आर लॉट ऑफ फियर्स अवेलेबल, लॉट ऑफ ड्रीम्स अवेलेबल, देन वॉट टू डू। टेल मी वॉट विल यू डू एट दैट टाइम वेन पेशेंट गिव्स यू मोर देन 10-20 फियर्स, मोर देन 10-20 ड्रीम्स। हाउ विल यू एनालाइज द केस? इट बिकम्स अ डिफिकल्ट पार्ट देन टू गेट द एनालिसिस एंड टू गेट टूवर्ड्स अ रेमेडी। सो एट दिस टाइम वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लब ऑल दोज फियर्स। सपोज द फियर इज रिलेटेड टू डार्कनेस, यू नीड टू क्लब ऑल दोज फियर्स। Take a particular totality of it and then you can go to a certain group of remedies. You take a dream, find the associated dreams with that phenomenon, and then you could grasp the central idea of the dreams or what are the subconscious feeling behind those dreams. So you can do sectoral totality. And so you could come to a group of remedies then, and from those group of remedies you can find out your path to crack the case. Okay, so what is the question? 5-year-old girl with dental caries and extreme pain, have been given crotalizumab. She has swelling on her gums. What to do? So if the remedy is indicated, you should either increase the potency of it and wait for it, or if the symptoms are not matching and you feel that the analysis is wrong, you should again take the case, take recase, and then prescribe again. It will help you more. So I would like Dr. Daivat also to join me. Dr. Daivat, you are here. Can you send me a join request so that I would let you in? And we could do a jam here. Any queries? Gayatri, Mona, Anuja, or Pawan, Ankit. Acha, Dr. Daivat is here. हेलो। अरे वेलकम दैवत, हाउ आर हेलो। यू? अच्छा, बस फाइन। बोलो। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए अबाउट होम्योपैथी। और एक एक सवाल है आपसे सभी स्टूडेंट्स का कि हाँ। ये अच्छा, होम्योपैथी डॉक्टर बनने के लिए हम लोग कौन सा रेपर्टरी पढ़े? क्योंकि आप रेपर्टरी के मास्टर हैं, हमने देखा है आपके लेक्चर में होम्यो मॉन्क पे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं आपके लेक्चर से। वो पैथोलॉजी का नेयर सीख रहे हैं आपसे, फिर बीबीसीआर सीख रहे, कंप्लीट सीख रहे, कैट सीख रहे। पर आप एक नवे स्टूडेंट को क्या बोलेंगे कि उसको चाहत बढ़ जाए होम्योपैथी में, उसको जल्दी से रिजल्ट आ जाए,
और वो बोले कि यार मैं ये रेपर्टरी इस्तेमाल करूँ तो मुझे थोड़ा सा आसान लगे जीवन, प्रैक्टिस करने में भी थोड़ा आसानी हो, मजा आ जाए। सबसे बेस्ट रेपर्टरी फॉर न्यू स्टूडेंट इज कैंट रेपर्टरी, स्टार्ट विथ कैंट रेपर्टरी एंड आई एडवाइज यू डोंट गो विथ कंप्यूटर रेपर्टरी, मीन्स सॉफ्टवेयर यूज मत करो, रेपर्टरी पढ़ो आप। रेपर्टरी पढ़ोगे तो आगे पीछे के सिम्टम आपके माइंड में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फियर डार्क आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट फियर डार्क लिखा, फियर डार्क आ गया। ऐसा नहीं करो, आप एक एक पेज पढ़ते जाओ तो उसके आगे उसके पीछे कौन से रूबरिक है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर डोंट यूज एनी सॉफ्टवेयर, और सब सब रूब्रिक डालो आप, वो मत सोचो ये कॉमन है तो ये कैसे डाले, नहीं आप सब सिम्टम डालो पेशेंट के, तो आपको आइडिया आएगा कि ऐसे ऐसे सिम्टम आपको रेपर्टरी में दिए हैं, ये अनकॉमन है तो यही डालना है, कॉमन सिम्टम नहीं डालना है। नहीं, हेडेक सन एग्रावेट है तो हेडेक सन एग्रावेट भी डालो आप, भले ही वो कॉमन हो। इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग कॉमन है माइग्रेन का तो वो भी डालो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे रूब्रिक रेपर्टरी में दिए हैं। और बहुत जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो कोई भी चीज में, कि ये पहले केस में फेलियर हो गया तो हम लोग होम्योपैथी नहीं कर सकते, हमको होम्योपैथी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी आपके पेशेंस मांग लेती है, एंड बिलीव मी एक बार आपका होम्योपैथी पे हाथ बैठ गया तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा विथ बराबर होम्योपैथी। बराबर, क्या बात है, बढ़िया एंड है, डोंट लूज होप, राइट, फेलियर हमारे भी बहुत सारे फेलियर है, मैं तो बोलता हूँ सक्सेस से ज्यादा फेलियर है हमारे, बराबर। डिसअपॉइंट मत हो, फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते जाओ कि नहीं ये केस में मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, नेक्स्ट टाइम ये टाइप का केस आएगा तो मैं ये ध्यान रखूंगा, बराबर। बराबर। और सेमिनार में से सीखो, कॉपी मत करो। फॉर एग्जाम्पल आज डॉक्टर देवत का सेमिनार था, उसने इनफर्टिलिटी में पल्सेटी ले दिया तो मुझे भी पल्सेटी ले देना है, नहीं। जो केस मेरे पास आएगा वही केस आपके पास नहीं आने वाला, बराबर। आप अपनी होम्योपैथी बनाओ अच्छा सब। डॉक्टर देवत, थोड़ा ये आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताओ ना, आप वो रेपर्ट्री में कैसा पढ़ते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड है, आपने रेपर्ट्री आपको अच्छा आता है, तो ये क्या किया आपने ऐसे स्टूडेंट लाइफ में जो आपको रेपर्ट्री अच्छा आने लगा, क्या करते थे आप वो रेपर्ट्री के साथ, मैं कुछ नहीं करता था, शायद ऐसा पिलो के नीचे लेके सोते थे रात में, ऐसा सुना नहीं हमने। मैंने क्या, मैं कुछ स्पेशल स्पेशल नहीं करता था, मैं सेकेंड ईयर से रेपर्टरी पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था, अच्छा तब पता भी नहीं हो कैंट रेपर्टरी, तब पता भी नहीं था, तब एक बोरिक मटेरियल मेडिकल अपन के पास थी तो बोरिक के हाँ पीछे वो रेपर्टरी दी थी, वो रेपर्टरी खोलते जाते थे। फॉर एग्जाम्पल के क्लास के बच्चे आते थे कि दैवत हेडेक हो रहा है क्या करे, तो बोरिक खोलो, हाँ हेडेक क्या हेडेक होता है, ओके सन में होता है, ये नेट्रम का आप ले लो, नेट्रम भी ले लो। ऐसे जैसे जैसे रिजल्ट मिलता गया मुझे इंटरेस्ट और बढ़ता गया रेपर्टरी में। बराबर। कई बार क्या, और फॉर ये एक फैक्ट है और हंसने की बात है कि फाइनल ईयर में जब एग्जामिनर आते थे ना एग्जाम लेने के लिए, तो उसको भी नहीं पता ये कैंट में ये रूब्रिक है, मैं निकाल के देता था क्या ये रूब्रिक बात, कैंट में है, अच्छा इतना इंटरेस्ट आ गया। सिर्फ पढ़ो, एक एक पेज पढ़ो रेपर्टरी को तो ही रेपर्टरी जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग रेपर्टरी। अच्छा कोई है स्टूडेंट जो कुछ, व्हाट शुड वी डू आफ्टर इंटर्नशिप एमडी और शुड गो टू सम स्टॉलवर्ट। सो देखो इसका जवाब ऐसा है कि अभी आपको है ना घर पर ये सब मिल रहा है, डॉक्टर दहवत इज फ्रॉम सूरत, आई एम फ्रॉम जालना, तो हम लोग रोज के 30 30 50 50 पेशेंट देखते, तो आप लोग को सब कुछ ऐसा थाली में दे रहे हैं ऐसा खाने के लिए, ऐसा सिर्फ खाना है आपको, दिस इज ऑल बीन टॉट ऑन आवर एप्लीकेशन होम्योमॉन्ग वेयर वी आर टीचिंग ऑल दी लाइफ केसेस, फिर हमारे पास अलग अलग जो पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं, जो जो केसेस जिनके पास आपको कुछ माइंड का नहीं मिलता है वैसे केसेस होते, तो आप लोग ऐसे घर पे बैठ के वो लेक्चर्स देख सकते हैं और आपको सॉल्व कर सकते हैं,
अभी हम लोग ऐसा करने वाले हैं, जैसे हम लोग का जजेस पैनल बैठने वाला है और उस पर हम लोग आपका केस सुनने वाले, जो हमारे स्टूडेंट्स है, और उनके केस पे हम लोग उनको सिखाने वाले कि आपने इस पे ये रूब्रिक गलत लिए, ये रूब्रिक ऐसा लेना चाहिए था, इसका ऐसा एनालिसिस करना चाहिए था, ये दवाई देना चाहिए था, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिस्टेक्स। और हम चाहते हैं कि आप जब क्लिनिक में जाए तो आप सिर्फ फटाफट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करें, आपका रिजल्ट बढ़िया है, आप अच्छे से अच्छा नाम बनाए। एनी क्वेरीज अबाउट होम्योपैथी मोर? देखो मैं क्या बोलता हूँ, आप सबके पास सीखो, सब पैटर्न, सब होम्योपैथी की फील्ड अच्छी है, चाहे वो राजन शंकरन हो, विजय कर हो, सिंगल हो, सबके पास सीखो, बराबर है। सभी केस में सेंसेशन मेथड काम नहीं आने वाला है, सभी केस में प्रेडिक्टिव काम नहीं आने वाली है। बहुत सारे केसेस ऐसे ही जिसमें हमको सब स्कूल मिक्स करनी पड़ती है, सेंसेशन भी, प्रेडिक्टिव भी, सेगल भी, सब सीखो और अपने वाली होम्योपैथी बनाओ। बराबर, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो कि डॉक्टर शंकरन ने बोला तो यही सही है, डॉक्टर विजय कर गलत है। नहीं, सब सही है, वो लोग सही है इसीलिए आज ये जगह पे पहुंचे हैं। बराबर। बराबर, आप सब सीखो और अपने वाली होम्योपैथी बनाओ। परफेक्ट। एनी क्वेरीज मोर? चलो तो अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड थैंक्स डॉक्टर दहिवट फॉर योर ऑन शॉर्ट नोटिस यू आर ऑन लाइव, सो थैंक यू थैंक एंड थैंक यू यू फॉर सो मच। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय।